नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूं। और ये जो मॉड्यूल हम आपके लिए अभी करने वाले हैं वो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है। जब लोग हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं तो ज्यादातर नए लोग जो इस बिजनेस से पहले नहीं जुड़े होते, उनके मन में दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। मुझसे आके कुछ लोग पूछते हैं कि सर, हमें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्या प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेचने हैं या अपने साथ नेटवर्क बनाना है? इनमें से पहला कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है? मैं हमेशा उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि पहले क्या आया, मुर्गी आई या अंडा? यानी कि इसके ऊपर डिस्कशन और विचार अभी भी जारी है। पर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको करना क्या है। आपको अपने साथ प्रोडक्ट को सेल करते करते अपना नेटवर्क भी बनाना है। नेटवर्क बनाने से आपकी शक्ति और आपकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। वो किस प्रकार से, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने आप वेस्टिज के बेचते हैं, जिसके करके अपने लिए एक अच्छी खासी आमदनी पा रहे हैं, अगर आपको समय लगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर 6 महीने के अंदर भी आप अपने जैसे सिर्फ 10 लोग इस बिजनेस में ले आते हैं जो भी 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने बेचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके ग्रुप के अंदर कितना बिजनेस हुआ, 1,10,000 का। यानी कि अगर आपने 6 महीने भी लगाए तो मात्र 6 महीनों के अंदर आपका बिजनेस 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। अगर 10 गुना बिजनेस बढ़ा तो यानी कि आपकी आमदनी भी जो आप अकेले कमा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा होगी। लेडीज जेंटलमैन, यही फायदा है नेटवर्क बनाने का। पर नया नेटवर्क कैसे बनाना है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। जो नए लोग इस बिजनेस में आते हैं उनके इस सवाल को का जवाब देने के लिए और उनको सिखाने के लिए कि इस बिजनेस को किस तरह अच्छी तरह कर सकते हैं, हम आपको अगली स्लाइड के ऊपर लेके चलते हैं। आप जैसे यहां पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि एक नए नेटवर्क का अर्थ क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। अगली स्लाइड पे ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नया व्यक्ति जो आप अपने साथ सीधे जोड़ते हैं और वह वेस्टिज के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, वह एक नया नेटवर्क है। इन लफ्जों के ऊपर ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति जिसको आप अपने साथ सीधा जोड़ते हैं, अगर आपके दोस्त के साथ और कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो आपका नेटवर्क नया नहीं, वो आपके दोस्त का नया नेटवर्क है। जिस व्यक्ति को आप अपने साथ सीधा जोड़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपका नया नेटवर्क होता है। हमारे इस बिजनेस में नए लोग गलती क्या करते हैं, जब जाके लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, लोग कहते हैं हम बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, अभी प्रोडक्ट्स ले लेंगे। जब प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो लोग कहते हैं कि 100 रुपया और दीजिए तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को आप अपने लिए कंज्यूमर बन के इस्तेमाल करते रहे तो आपको बचत रहेगी। लेडीज जेंटलमैन, इस प्रकार के लोग जो सिर्फ आपके कंज्यूमर बन के आए हैं, वो आपका नया नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि लव्स जिनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ख्याल देना है कि जो लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ आपके करके, आपके दबाव के करके इस बिजनेस में आ गए, उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली क्योंकि उनमें ना कहने की क्षमता नहीं है, वो लोग आपका नया नेटवर्क नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अगर ज्वाइन कर लेते हैं, देखेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, अगर चलेगा तो चला लेंगे, वो आपका नया नेटवर्क नहीं है। जो व्यक्ति इसको आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है वो आपका नया नेटवर्क है। चलिए आगे चलते हुए कि जो लोग हमें इस बिजनेस के अंदर मिलते हैं, काफी लोग ये बहाना बनाते हैं कि क्या कि यार मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो सब ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लोग इच्छुक नहीं। अब ये जो बहाना होता है, अगर आपके पास सही ट्रेनिंग है, आप वेस्टिज के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इससे भी बाहर निकल के अपने लिए एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं।
वो कैसे, अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, कि कोई व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में रुचि लेता है या नहीं वो इसी चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया और हमने उसको कितनी सेवाएं दी। लेडीज जेंटलमैन, ये मूल मंत्र है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है या नहीं, हमारे साथ प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो सिर्फ इसी चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया और उसको कितनी सेवाएं दी। इस चीज के ऊपर चलते हुए एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, अगली स्लाइड पे आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लोग जो आपके सिर्फ अभी ग्राहक बनने के लिए तैयार हैं और आपके साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं, उनके विचार किस प्रकार से हमने आगे बढ़ाने हैं। सबसे पहले जिन लोगों की अस्थायी रुचि होती है, यानी कि टेम्परली नॉट इंटरेस्टेड, यार सोचेंगे बाद में बताएंगे अभी तो वक्त नहीं है, जिन लोगों की अस्थायी रुचि होती है, टेम्परली नॉट इंटरेस्टेड लोगों को हम आगे लेके जाते हैं, उनको बनाते हैं वफादार ग्राहक, यानी कि लॉयल कस्टमर्स, कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उनको इतने अच्छे लगे कि बेशक आप उनसे पूछें कि नहीं कि उनको और प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, वो अपने आप आपको फोन करके कहेंगे या आपसे जब मिलेंगे आपको कहेंगे यार उस प्रोडक्ट की 2 बॉटल्स और चाहिए। लेडीज जेंटलमैन, जो लोग आपके वफादार ग्राहक बन जाएंगे उसके बाद आप उनको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ले जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। वेस्टिज शिक्षा प्रणाली यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के 7 मुख्य कदम जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सिखाए जाते हैं वेस्टिज में शुरुआत कैसे की जाए, इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप इन लोगों के विचार बदल सकते हैं। किस चीज से? जो लोग अभी अस्थाई रुचि जिनकी है उनको वफादार ग्राहक बना सकते हैं और उनको प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? कि शुरुआत के 7 कदम कौन से? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, और सातवा कौन सा? फॉलो अप। बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो हमारी प्रणाली है यानी कि सिस्टम है, ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार से एक प्रभावशाली तरीके से हम लोगों को फॉलो अप करें। फॉलो अप यानी कि आपने कहा था कि आप इसके बारे में और जानकारी चाहेंगे तो मैं आपको जानकारी देने आया हूं। जब आप ये करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फॉलो अप। आप किस तरह से एक प्रभावशाली इंप्रेसिव तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं और उनको कैसे सेवाएं प्रदान कर सकते हैं ताकि वो हमारे इस बिजनेस में जुड़ के आगे प्रोफेशनल तरीके से इसको करें। लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड में, वो लोग जिनकी अस्थायी रुचि होती है यानी कि टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड, यार नहीं अभी नहीं, समझ नहीं आ रहा, सोच के बताएंगे, ऐसे जो लोग हैं इनको हमने नई नई जानकारियां देनी है। किस प्रकार की जानकारियां? ये आगे चलते हुए इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर हम दिखाएंगे। इनको नई नई जानकारियां काहे के लिए देनी है? ताकि हम उनका हृदय परिवर्तन कर सकें। यानी कि अगर उनके मन में अभी शंका है, जब हम उनको नई जानकारी देंगे कि लोगों लोग इन प्रोडक्ट्स को खा के इतने सेहतमंद हो गए, लोग इस बिजनेस में आके इतने सफल हो गए, जब उनको नए नए लोगों के बारे में जितनी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा और हमारे बिजनेस में आएंगे। चलिए आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड में, जो लोग हमारे जब इसके बाद वफादार ग्राहक बन जाते हैं उनको प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए हमने उनको इनकरेज करना है यानी कि प्रोत्साहित करना है, राइट। अगली स्लाइड के ऊपर जाते हुए, जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं हमने उनको एजुकेट करना है। एजुकेट करना है यानी कि शिक्षा देनी है, काहे के लिए? ताकि वो इस बिजनेस को प्रणाली यानी कि सिस्टम के साथ साथ चलें, और इसी की ट्रेनिंग हमने उनको देनी है। लेडीज जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि एक नई लाइन यानी कि नया नेटवर्क शुरू करने से पहले अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। सिर्फ ज्वाइन करना ही काफी नहीं, ये आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, कि जब आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आपने जिसको जोड़ा आपको लेके जाएगा और कहेगा इस व्यक्ति को फ्लैक्स के बारे में बताइए, तो क्या आपके पास फ्लैक्स के बारे में जानकारी है? जब आपसे कहेगा कि हमारा एक दोस्त है उसके खेत है उसको एग्री 82 के बारे में बताइए, क्या एग्री 82 के बारे में आपको जानकारी है?
जब वो आपसे कहेगा कि मेरा एक दोस्त है वो बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, क्या आपको कंपनी और मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर आपकी तैयारी पूर्ण है तभी आप इस बिजनेस में पूरी तरह से सफलता पा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सोचना। तभी बहुत कम लोग सोचते हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अच्छी तैयारी है कि नहीं। सबसे पहला सवाल जो आप अगली स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, वो सवाल क्या है कि क्या आपको विश्वास है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं लोगों को हेल्थ और ब्यूटी देने में मदद करेंगे? लेडीज जेंटलमैन, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर ही निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हुए जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है, क्या आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे? अगर आपको शक मन में है कि शायद आप इसमें सफल नहीं हो पाते, तो एक नया नेटवर्क नहीं बनाना, क्योंकि अगर नया नेटवर्क बनाएंगे तो आप करेंगे एक जुर्म। क्या कि जब खुद विश्वास नहीं था कि आप सफल हो सकते हैं कि नहीं, तो आपको क्या हक है कि अपने साथ किसी व्यक्ति को लाना और उसको यह उम्मीद देना कि वो इस बिजनेस में आके सफल हो पाएगा? लेडीज जेंटलमैन, आपका पूर्ण विश्वास ही आपको दिलवा सकता है पूर्ण सफलता। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे यह सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आपको विश्वास है कि वेस्टीज का व्यवहार और सुंदर वातावरण आपके मित्र को खुश और स्थिर बनाने में मदद करेगा? कि जब आपके लोग आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वेस्टीज के मीटिंग के अंदर इतने सफल लोग भी कितनी विनम्रता से लोगों से बात करते हैं, यहां का व्यवहार इतना अच्छा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक आदमी की दिक्कत के लिए कई सौ लोग खड़े हो जाते हैं कि तुम सफल होना चाहते हो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं। अगर आपको किसी चीज का प्रश्न है और हंसते सुंदर लोग, जो हर व्यक्ति एक ही मंजिल के ऊपर चल रहा है कि सफल होने में, कि ये क्या आपको विश्वास है कि आपके दोस्त यहां पे आके खुश होंगे? लेडीज जेंटलमैन, एक परिवार को जब आगे बढ़ा रहे हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हुए इस चीज को भी अपने मद्देनजर जरूर रखिए और अपने ध्यान में दीजिए और अपना विश्वास पूर्ण कीजिए कि क्या आपको विश्वास है कि जैसे जैसे आप वेस्टीज का सिस्टम यानी कि प्रणाली को अपनाएंगे, आप अपने आप को सफलता की ओर पाएंगे। यानी कि अगर आपको विश्वास है कि जो आपको बताया जाता है कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, नंबर वन इन प्रोडक्ट को खाइए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए, चौथा आप लोगों को इनवाइट कीजिए, पांचवा करिए मीटिंग, छठा करिए टीम वर्क, सातवां करिए फॉलो अप। ये जो सिस्टम, अगर आपको विश्वास है कि इसको अपनाने से मैं सफल होऊंगा, तभी आप इस बिजनेस में सफल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि पहला कदम क्यों करना है, प्रोडक्ट को क्यों खाना है, मैं तो सिर्फ लोगों को बताऊंगा, लिस्ट बनानी नहीं, सिर्फ लोगों को इनवाइट भी नहीं करना, जाओ मिल जाएगा उसको मैं मीटिंग दिखाऊंगा, तो लेडीज जेंटलमैन, आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लोग भी फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है आप अपनी क्षमता से थोड़ी सी सफलता पा लें, पर अपार सफलता के लिए, हर एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए, हर एक व्यक्ति को सिस्टम को यानी कि प्रणाली को फॉलो करना है। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए वेस्टीज में एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, इन सबको नेटवर्क को बनाने से पहले, सबसे पहले जो मैं कहता हूं कि अगर आपको बदलनी है अपनी जिंदगी, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलिए सिर्फ एक चीज, अपनी सोच। क्योंकि हम सब गुलाम हैं किस चीज के? अपनी आदतों के, अपनी सोच के, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमने अपने बिजनेस के बारे में कहते हैं कि हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस यानी कि वेस्टीज का बिजनेस क्या है, 100% एटीट्यूड, यानी कि 100% भाव का बिजनेस है। इसके अंदर अगर आपके पास हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इन चीजों पे ख्याल रखिए कि मैं इसे बना सकता हूं। अगर आपके पास ये सोच है तो ये सोच आपकी दिमागी और मानसिक है। अगर आपके अंदर सोच है मैं इसे नहीं, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है।
मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सफलता पाऊंगा ही पाऊंगा, तो ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं यहां पे इतने सुंदर वातावरण में, इतनी बढ़िया कंपनी में, जो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया कंपनी है, उसमें मैं बहुत खुश हूं, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं खुश नहीं हूं, बहुत दिक्कत है, बड़ा मुश्किल है, ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। लेडीज जेंटलमैन, बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, सिर्फ एक चीज बदल लो, सोच, बाकी दुनिया पूरी उस सोच के साथ बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हम दूसरों को सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं। जो हमारे साथ लोग आएंगे, हर एक व्यक्ति बराबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब पांच उंगलियां बराबर नहीं होती तो हर एक व्यक्ति की सोच आपस में मिल नहीं सकती, पर उसको बांधने के लिए, साथ लाने के लिए होता है हमारा वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम। और इसके अंदर जब हमारे साथ लोग नेटवर्क में आते हैं, हम उन्हें सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं अपनी तरह बना के, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब ग्राहक हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। अगर हमें पसंद ना करते, हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास ना होता और हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको फायदा करेंगे, अगर वो हमें पसंद ना करते तो हमारे से प्रोडक्ट ना खरीदते, क्योंकि उन्हें हमारे पे विश्वास ना होता। दूसरी चीज, हमारे ग्राहक हमारे सभी फॉलो अप को स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि साधारण सी चीज, सही आपने सोचा, क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। क्यों? अगर हमें पसंद ना करते होते, हमने एक बार ही प्रोडक्ट बेच दिया और उनसे पूछते कि भाई साहब आपने प्रोडक्ट लिया आपको कैसा लगा, वो कहता पैसे मिल गए ना, उसके बाद बाकी और सवाल कुछ नहीं पूछना। यानी कि वो हमें बताते हैं कि यार आपके प्रोडक्ट से ये फायदा हुआ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जो वो बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। हमारी डाउनलाइन जो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं, वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं कि जब आपको फोन करते हैं कि सर स्पिरुलिना किन चीजों में कैसे देना है, नीम के क्या फायदे हैं, जब वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं, वो इसलिए सीखने में इच्छुक हैं क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। चलिए लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए, जो लोग हमारे बिजनेस में रुचि नहीं लेते और उनको जो हम ग्राहक बना रहे हैं, इस समय पहले इन दो कदमों पे हमने क्या करना है, इन लोगों को हमेशा अच्छा महसूस कराना है। अच्छा महसूस कराने का मतलब, जब भी मिलो पॉजिटिव बातें करो। जो लोग हमारे रॉयल्टी ग्राहक बन जाते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खरीद रहे हैं, आपने उनको कहा कि नहीं, वो अपने आप हर महीने आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब भी खरीदते हैं आपसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई नया प्रोडक्ट आया। ये जो आपके रॉयल्टी ग्राहक हैं, जो आपको रॉयल्टी दे रहे हैं, आपने एक समय काम किया था, उसकी आमदनी हर महीने आ रही है, और वो लोग जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, उनके लिए आपने क्या करना है, उन लोगों को, इन दोनों श्रेणी के लोगों को अपनी तरह हौसला मंद बनाना है कि वो आप ही की तरह इस बिजनेस के बारे में लोगों को आसानी से बता सके, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सके, लोगों को प्रोत्साहित कर सके और एक बड़ी टीम बना सके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे,